हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस पोनीटेल पाम, जिसे हम एलिफेंट फुट भी बोलते हैं, इस प्लांट की मैं रिपोर्टिंग शेयर करूंगा। तो ये देखिए, ये प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है और इसकी रूट बाउंड भी हो चुकी है। तो ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होने के कारण इसने ये देखिए अपना पॉट भी तोड़ दिया है। तो ये देखिए, इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं इस पॉट पर। तो अब हमें ये पॉट भी चेंज करना पड़ेगा और इसकी मैं कुछ रूट प्रूनिंग भी करूँगा इस प्लांट की। तो आप ये रूट प्रूनिंग और ये रिपोटिंग का काम आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्मियों में ये करेंगे तो आपका प्लांट स्ट्रेस में भी जा सकता है और कई बार आपका प्लांट मर भी सकता है। तो आप मॉनसून आने का वेट कर लीजिए, तब तक कीजिए। तो अब यहाँ पर बारिश आई हुई है, तो एक दो दिन यहाँ मौसम सही रहेगा, तो इसलिए मैं इसकी ये देखिए इसकी रिपोटिंग कर दूँगा। और अगर गर्मियां हैं, अगर आपका पॉट वगैरह टूट गया है फिर भी आपने रिपोटिंग करनी है, तो आप उसकी रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कीजिए, वैसे के वैसे ही आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए। जो हल्की फुल्की रूट्स टूटेंगी तो उनसे कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट को, बस आप बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स को मत कट कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से इसका पॉट पूरा टूट चुका है और ये देखिए जो थोड़ा सा ये हिस्सा बचा है, तो इसे मैं किसी पत्थर की हेल्प से इसको तोड़ लूँगा, क्योंकि इससे हमारी रूट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको खींच के निकालूंगा तो इसकी रूट्स ज़्यादा टूटेंगी, तो इससे बढ़िया मैं इस पॉट को पूरे को तोड़ के इसकी रूट बॉल को बाहर निकाल लूंगा। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी पॉट था, तो इससे मैंने अच्छे से पहले तोड़ के फिर इसका रूट बॉल मैंने बाहर निकाल लिया था। अगर इसका पॉट ना टूटता तो हम इसमें से प्लांट को बाहर निकाल के इसकी थोड़ी बहुत रूट प्रूनिंग करके हम इसे वापस इसी पॉट में भी लगा सकते थे, पर इसका पॉट अब अच्छे से टूट चुका है, तो इसलिए मैं अब इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगा। और ये देखिए, जो इसके साथ जो एक्स्ट्रा जो भी अलग से प्लांट्स निकल गए हैं तो उन्हें मैं हटा दूँगा और इसकी थोड़ी थोड़ी रूट्स को मैं बिखेर लूँगा और नीचे से जो एक्स्ट्रा रूट्स होगी उन्हें मैं कट कर दूँगा। तो ये देखिए, ऊपर इस पर टर्टल वाइन लगी हुई है, तो अच्छी तरह से ये कवर हो चुकी है। तो ये देखिए, मैंने नीचे से भी इसको अलग कर लिया और ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रूट्स आ चुकी हैं अब इस प्लांट में। तो अब मैं इसमें जो नीचे नीचे जो प्लांट में जो थिक रूट्स हैं तो इन्हें तो मैं कट कर दूंगा, और जो बची हुई रूट्स हैं तो उसी के साथ मैं उस प्लांट को लगा दूंगा। तो अब ये प्लांट भी काफ़ी हैवी है, तो मैं इसकी जो रूट्स के अंदर जो भी मिट्टी है इसे मैं बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए, तो मैंने इसमें से सारी इसकी मिट्टी निकाल दी है। तो अब इस प्लांट को मैं ऊपर लगाऊंगा, तो बड़े पॉट में जब शिफ्ट करूंगा तो इसे बहुत ज़्यादा किसी भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, बस हम हर साल इसकी थोड़ी बहुत रूट प्रून करके अगर हम उसी पॉट में इस प्लांट को लगा दें तो भी बिल्कुल आराम से ये अच्छे से ग्रो करता रहता है, और इसका जो ये नीचे से जो इसका कोडेक्स है इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, इसे अब मैं ऊपर ले आया हूँ, तो इसकी देखिए रूट से मैंने लगभग सारी मिट्टी हटा दी थी, थोड़ी बहुत मिट्टी मैंने रखी है ताकि इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग शॉक ना मिले। तो ये देखिए, इस पॉट में मैं इसे लगा दूंगा, तो सबसे पहले मैं इस पॉट की मिट्टी को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा इसी पॉट में। तो देखिए, इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा खाद नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी मिट्टी में पहले से ही ये देखिए गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज की हुई मिक्स है। तो इसी तरह से बस मैंने जो भी एक्स्ट्रा रूट थी थोड़ी बहुत हटा दी, बाकी मैं इसी तरह से बिल्कुल इस पॉट के सेंटर में इसे लगा दूंगा। तो जिस भी पॉट में अगर आप इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करें तो आप कोशिश करें कि मिट्टी या सीमेंट के पॉट में इसे लगाएं, क्योंकि मिट्टी या सीमेंट के पॉट में इजीली पानी इवेपोरेट हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर ओवरवाटरिंग होने का डर रहता है। अगर आप जिस भी पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल भी काफ़ी सारे बने होने चाहिए, ताकि इसमें बारिश से या कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना रुके, और इसे फुल सनलाइट में अगर हम इस प्लांट को रखते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है यह प्लांट, और इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर इसमें बहुत दिनों तक हम ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इसकी रूट्स के साथ इसका जो नीचे वाला कोडेक्स है ये भी गलना शुरू हो जाएगा, और इस प्लांट को कोई भी किसी भी तरह की खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, बिल्कुल सेंटर देख के मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसकी साइड में ये देखिए सॉइल मिक्सचर फिल कर दूंगा। तो इसमें रेत है और डीकम्पोज की हुई गोबर की खाद है, उसके अलावा इसमें कोई भी खाद नहीं दी हुई, बिल्कुल आराम से प्लांट चल जाएगा, बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, कोई भी केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती इस प्लांट की। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगा देते हैं तो काफ़ी बड़ा प्लांट बन जाता है ये।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस प्लांट को इस पॉट में अच्छे से लगा दिया है और इसकी मिट्टी को भी अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक तो एप्सम सॉल्ट मैं दे दूंगा ताकि ये कोई भी रीपोटिंग शॉक में ना रहे, और अब मैं 4 से 5 दिन के लिए इसे बिल्कुल शेड एरिया में रख दूंगा, क्योंकि धूप में इसको एक बार रिपोर्टिंग शॉक के कारण इसकी लीव्स सारी झड़ ना जाए, जो नीचे से जो ख़राब लीव्स हैं तो उसे मैं अब हटा दूंगा। और इस प्लांट को लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो इसका कोडेक्स है तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं डालना, आपने कम से कम 1 से 2 इंच तक आपने सिर्फ मिट्टी में रखना है उसका। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दी है और अब मैं इसमें अच्छे से पानी दे दूंगा जब तक कि इसके नीचे ड्रेनेज होल तक पानी नहीं निकलता, क्योंकि अच्छे से जब हम पानी देंगे तब इसके एयर पॉकेट्स और जो भी मिट्टी में गैप होगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट ना भी हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखिए और प्लांट्स के बीच में रखिए जहाँ पर थोड़ी सी इसे नमी मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।